जय श्री कृष्ण। आज एक बड़ी सुंदर कहानी आप लोगों को बताऊंगा। एक युवक था, उसने बड़ी घोर तपस्या की और फलस्वरूप भगवान ने उसे एक शंख दे दिया और कह दिया कि शंख से जो मांगोगे वो मिलेगा। वो युवक जंगल से निकला अपने घर जाने के लिए। रात हो गई तो रास्ते में मासी का घर पड़ता था, वहीं पे रुक गया। मासी ने पूछा कि भोजन करोगे? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मासी ने पूछा तुम्हें बिस्तर दे दूं? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब युवक के पास कुछ भी नहीं था और वो भोजन को मना कर रहा है, बिस्तर को मना कर रहा है, तो मासी को आशंका हुई और वो छुप छुप के देखने लगी कि ये खाता क्या है। दरवाजा बंद करके उस युवक ने उस शंख का पूजन किया और प्रणाम करके बोला कि अब मुझे भोजन चाहिए, तो थाली भरकर भोजन आ गया। भोजन के पश्चात उस शंख से उस युवक ने कहा अब मुझे बिस्तर चाहिए, तो बड़ी सुंदर गद्दी आ गई। मासी को लगा कि ये तो कमाल का शंख है, ये शंख अपने पास होना चाहिए, और मासी के मन में मोह तैयार हुआ। मासी ने ऐसा किया कि जब रात को युवक सो गया तो अपने घर का जो एक शंख था वो वहां रख दिया और वो देने वाला जो शंख था वो अपने पास रख लिया। युवक जब घर आया और घर पहुंचकर उसने उस शंख से जब भोजन मांगा तो शंख से कुछ नहीं निकला, बिस्तर मांगा कुछ नहीं निकला, तो युवक बड़ा निराश हुआ। उसने सोचा कि अब भगवान को पूछना चाहिए कि ऐसा कैसा शंख दिया, केवल एक ही बार काम किया और बंद हो गया। युवक फिर जंगल में गया, उसने तपस्या की, भगवान फिर प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि वो वाला जो शंख है वो तेरी मासी के पास है, मैं अब तुझे दूसरा शंख देता हूं, वो लेकर जाना और मासी के घर जरूर रुकना, ये केवल बोलेगा देगा कुछ नहीं। युवक वो बोलने वाला शंख लेकर निकला, मासी के घर रुका। मासी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये दोबारा से आया है तो और नई चीज कुछ लेकर आया होगा, तो मासी छुप छुप कर देखने लगी। युवक ने शंख का पूजन किया और शंख से बोला कि अब मुझे भोजन चाहिए। शंख से आवाज आई, अरे एक थाली क्या मांगते हो, अपनी मासी के लिए भी मांगो, दो थाली भोजन मिलेगा। युवक ने कहा मुझे बिस्तर भी चाहिए। उसने कहा एक बिस्तर क्या मांगते हो, दो बिस्तर मांगो मैं दूंगा। मासी को इतनी खुशी हो गई कि अरे ये तो दुगना देने वाला शंख है। जब युवक सो गया तो मासी ने पहला वाला शंख जो देने वाला था वो वहां रख दिया और बोलने वाला जो शंख था वो अपने पास ले लिया। मोह में मासी फंस गई। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मोह से ग्रस्त हो जाते हैं और जब हमें मोह हो जाता है तब हमारे हाथ से गलत काम हो जाते हैं। हमारे जो ग्राहक होते हैं वो हमारे भगवान ही होते हैं, लेकिन कई बार मोहवश हम अपने ही ग्राहकों को फंसा देते हैं, उनसे अधिक मुनाफे की अपेक्षा करते हैं और फिर गलत काम कर देते हैं। केवल दुकानदार और ग्राहक ऐसा संबंध नहीं होता। हम जिस कार्यालय में काम करते हैं, भले ही हम वहां कुछ माल नहीं बेच रहे हो, वहां पर हम लोग अपनी सेवाएं देते हो, तो हमारे उसी कार्यालय में कुछ अंतर्गत ग्राहक होते हैं, उनको भी हमारी सेवा होती है और हम लोग कभी कभी मोहवश उस सेवा में भी कुछ कतराई कर देते हैं। हम अच्छी सेवा नहीं देते, जल्दी घर जाने का मोह हम लोगों को ग्रसित कर देता है और फिर अच्छी सेवा देने में हम असमर्थ हो जाते हैं। हम परिवार में काम करते हैं तो हमारे परिवारजन भी तो हमारे एक तरीके से ग्राहक ही है, क्योंकि हम उनको कुछ सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी कभी मोहवश हम उन्हें भी अच्छी सेवाएं नहीं दे पाते। भगवद गीता में कहा है अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरकेश चो। मोह में जब आदमी अटक जाता है तो पतंती नरकेश चो,
उसकी दुर्गति होती है, वो नरक में चला जाता है। ये नरक क्या है? नरक भी यही है कि हमारे ग्राहक हमसे रुष्ट हो जाते और फिर दोबारा वो हमारे पास नहीं आते और हमारे कार्य का सर्वनाश हो जाता है। ये सर्वनाश ही तो नरक है, इससे बचना होगा। मोह के क्षण जब जब आएंगे उनसे बचकर आगे निकलना होगा, तभी हम विजय को प्राप्त हो सकते हैं। आइए इसी मार्ग पर चलते हैं और विजय को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण।